हे hey, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विश्वजीत और आप देख रहे हैं इरिजेट असम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपको कैसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आपका जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो रहा है अभी। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे जो वीडियो है उसको लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे हमारे चैनल एटूसेट आसाम को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर अपना बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके लिए आपको चाहिए एक ग्रीन स्क्रीन और काइनमास्टर। काइनमास्टर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आपको अभी नॉर्मली ओपन करना है आपका जो काइनमास्टर है वो, और इसके बाद आपको सिंपली प्रोजेक्ट में क्लिक करना है और एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको मीडिया ब्राउजर में जाना है और आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपको बैकग्राउंड लेना है, तो मेरा जो ब्लैक यूज़ करता हूँ मैं नॉर्मली बैकग्राउंड में, तो मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको जूम जो हो रहा है ये जूम बंद करने के लिए ये दोनों हिस्सों में एक जैसा क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं लेयर में जाऊँगा और यहाँ से वीडियो में सिलेक्ट करते हुए ये जो वीडियो है ग्रीन स्क्रीन के साथ मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ वीडियो को। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ से चौमकी में और यहाँ देखिए इसको मैं एनेबल करता हूँ चौमकी को। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसे करते ही ये जो इसका बैकग्राउंड है प्रॉपरली जो चेंज हो चुका है। अभी थोड़ा सा और करना बाकी है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा फिनिशिंग कम आया। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से करने से जो डिटेल्स है, जो फिनिशिंग है बैकग्राउंड चेंज का, ये फिनिशिंग कंप्लीट बहुत ही अच्छी तरह से होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वीडियो। तो ये देखिए वीडियो प्ले हो रहा है अभी। तो ये देखिए यार दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हो रहा है। तो चलिए मैं इसको एक्सपोर्ट करके अब दिखाता हूँ आपको ये वीडियो कैसा बनाए। आपको शायद समझ आ चुका है कैसे आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। आपको सिंपली लेना है एक बैकग्राउंड कोई भी कलर का, इसके साथ आपको चाहिए ग्रीन स्क्रीन, साथ में काइनमास्टर जिसमें चॉम की का ऑप्शन हो, जिससे आप कर सकते हैं आपका बैकग्राउंड को चेंज। तो चलिए इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको फिर से क्लिक करना है को और यहाँ से आपको कर देना है एक्सपोर्ट। तो मैं अभी दिखाने के लिए ये 8 MB का जो एकदम लो क्वालिटी का इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो देखिए ये धीरे धीरे एक्सपोर्ट हो रहा है अभी। अगर तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो वीडियो है वो हो चुका है गैलरी में सेव। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो को प्ले करके इसका कैसा हुआ है ये वीडियो। तो चलिए मैक्स प्लेयर में चलते हैं और यहाँ से देखते हैं उस वीडियो को कैसा चेंज हुआ है ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही कूल और बहुत ही सफाई के साथ जो कलर है बहुत अच्छा है। तो आपको जब आप एडिट करें तो आप थोड़ा सा और वर्क कीजिए इसमें, थोड़ा सा और जो वो एडिटिंग है वो अच्छी तरह से किए तो और भी अच्छी क्वालिटी मिलेगा आपका। अब मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरह से किया, तो आई होप आप कर सकते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और आप लोगों को समझ आया है किस तरीके से आपको अपना बैकग्राउंड चेंज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपडेट्स के बारे में आपको पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।